हर हर महादेव। महादेव की महिमा करने के लिए हमारा ये मुख काफ़ी छोटा है। महादेव के सामने हम एक कण के भांति भी नहीं हैं, लेकिन महादेव अपने भक्तों के प्यार स्नेह को देखकर हर जगह अपने भक्त के साथ चलते हैं। और ऐसा ही कुछ 26 जनवरी को दिल्ली में किसान आंदोलन में हुआ। जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछले कई महीनों से देश का किसान सरकार के खेती कानून के विरोध में धरना लगाकर बैठा है। यहाँ पंजाब हरियाणा के किसान एकजुट हुए हैं, वहीं पर मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि देश के हिस्सों से किसान दिल्ली पहुँचे हैं। इसी बीच 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली से ट्रैक्टर मार्च करने का निर्णय लिया था और 26 जनवरी को लाल किले में किसान और दिल्ली पुलिस के बीच काफ़ी खींचातानी हुई। इसी किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे महाराष्ट्र पुणे के किसान कृष्ण तलपड़े के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस मुश्किल समय के बीच जब कृष्ण की जान जाने वाली थी तो महादेव ने कैसे अपने भक्त की मदद की, यह देखकर दिल्ली पुलिस के जवान भी हर हर महादेव करने लगे। कृष्ण तलपड़े कहते हैं कि मैं पुणे का एक किसान एक महीने से इस आंदोलन में अपने साथियों के साथ पहुंचा था। मेरे पास अपने जीवन व्यापन के लिए कुछ थोड़ी सी जमीन है और मैं खेती से ही अपने परिवार को चला रहा था। खेतों के बीच मेरे पिता ने एक शिव का स्थान बना रखा है क्योंकि वह महादेव के अनन्य भक्त थे। उन्हें देख देख कर मेरे अंदर भी महादेव का स्नेह बस चुका था। खेतों में हल फसल बोने से पहले उसी मंदिर में महादेव की पूजा करते थे और फिर खेती करते करते मेरे पिता हमेशा कहते थे कि महादेव हर पल हमारे साथ हैं, तुम बस अपने अंदर एक विश्वास रखना। महादेव की कृपा से खेती से हमारा गुजारा बढ़िया चल रहा था। अब मुझे और हमारे इलाके के लोगों को यह कानून सही नहीं लगे तो हम इसके विरोध में दिल्ली तक पहुँचे। सब कुछ शांति से चल रहा था। पिछले एक महीने से हम यहीं पर हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। खाने पीने, रहने नहाने तक का पूरा इंतजाम है और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करने का ऐलान किया गया। सरकार की तरफ से भी मंजूरी मिली और ट्रैक्टर परेड का मौका दिया गया। लेकिन जब 26 जनवरी को हम सभी ट्रैक्टर लेकर निकले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुछ दूरी पर पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे और पुलिस आगे जाने से मना कर रही थी। वहां पर तनाव बढ़ा तो बैरिकेड तोड़कर आगे चलने लगे और लाल किले तक पहुंचे। लेकिन वहां पर काफ़ी पुलिस तैनात थी और फिर किसानों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया। पुलिस ने लाठी चार्ज किया और आंसू गोले भी फेंके, काफ़ी लोग घायल होने लगे। हम यह सब कुछ नहीं चाहते थे लेकिन पुलिस ने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। मैं काफ़ी घबरा गया क्योंकि कुछ समय पहले ही मेरे सिर का ऑपरेशन हुआ था और मुझे डर था कि कहीं कोई मेरे सर पर चोट ही ना मार दे। मैं वहां से वापस एक तरफ आने लगा और मेरे साथी कहने लगे कि तुम एक तरफ खड़े हो जाओ, आगे मत जाना, क्योंकि पुलिस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा लाठी चार्ज होने लगा था और मैं एक तरफ खड़ा होकर यह सब कुछ देख रहा था। धीरे धीरे काफ़ी किसान घायल हुए और फिर मैंने देखा कि कुछ किसान महिला पुलिसकर्मियों को सुरक्षा से एक तरफ लेकर जा रही थी क्योंकि वह महिला पुलिसकर्मी बहुत डर चुकी थी। और तभी अचानक से एक लाठी मेरे पीठ पर पड़ती है। अचानक हुए हमले से मैं एकदम डर गया तो मैंने देखा कि वहां पर दो पुलिसकर्मी लाठी लेकर मेरी तरफ खड़े हैं। मैंने कहा कि साहब मैं तो पास में ही खड़ा हूं, मुझे क्यों मार रहे हो? तो उन्होंने बिना कुछ सुने मुझ पर लाठियां बरसा दी। मैं जैसे तैसे कर अपने सिर को बचा रहा था क्योंकि अगर सिर पर लाठी लगती तो मैं मर भी जाता। और वह पुलिस वाले बार बार मेरी तरफ लाठी चला रहे थे। मैंने मन ही मन में महादेव के आगे विनती की कि मुझे इन पुलिस वालों से किसी तरह बचा लो। और तभी वहां पर एक पुलिसकर्मी आया और उन दूसरे पुलिस वालों को मारने से मना करने लगा। लेकिन उनमें से एक पुलिस वाला बार बार मेरे सिर की तरफ वार कर रहा था और तभी बचाने आए पुलिस वाले ने उसकी लाठी को पकड़ा और उसे पीछे कर दिया। और वह पुलिस वाला मुझे कहने लगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, महादेव तुम्हारे साथ हैं, और एक मुस्कुराहट देकर वह वहाँ से चला गया। लेकिन वह कोई पुलिस वाला नहीं था, खुद महादेव थे क्योंकि उन्होंने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा था। अब मुझे पूरा विश्वास था कि महादेव हम सभी किसानों के साथ हैं और महादेव को मन से याद करो तो वह किसी भी विकट स्थिति में आपके साथ खड़े हो जाएंगे, और इसमें कोई शक नहीं रहा। हर हर महादेव।